करें, लिखें। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है गैल्वेनिक सेल। तो पहले तो आप सेल के बारे में इतना तो जानते हैं, सेल इज द डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी। तो थोड़ा सा हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कि कौन कौन सी एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है गैल्वेनिक सेल में। लिखते जाएं, और दूसरा हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सेल। जी सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं गैल्वेनिक सेल में आपके साथ क्या हो रहा है, यहां पर केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लिख लीजिए, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लिख लिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सेल में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल। अब मुझे बताएं यहां पर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कहां से आएगी, बॉन्ड की वजह से। बॉन्ड टूटेंगे या बनेंगे, नए बॉन्ड कुछ ना कुछ बनते हैं तो वो एनर्जी लिबरेट होती है, और वो हमारे पास हीट में भी चेंज हो सकती है, लेकिन हमने कुछ इस तरह की डिवाइस बना रखी है कि वो हीट में नहीं होगी, किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से ये वाली जो रिएक्शंस होगी उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन ही इन्वॉल्व होगी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और रेडॉक्स रिएक्शन जो भी होगी उसमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी है, बल्कि वो खुद एनर्जी लिबरेट कर रही है। तो एक तरह से एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, लिबरेट या एब्जॉर्ब, एनर्जी लिबरेट, लिबरेट इन फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, फोर्थ, अगर एनर्जी लिबरेट होती है तो वो जो रिएक्शंस होती है जिसमें भी एनर्जी लिबरेट होती है वो कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्या इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन है। हाँ देखो, रेडॉक्स रिएक्शन के बगैर तो ये चैप्टर ही नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरेट होगी। थर्ड, मुझे एक बार बताएं इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर एक्सटर्नल एनर्जी है तो ये होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जिस रिएक्शन में एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन अपने आप में खुद से तो नहीं हो सकती, बाहर से आने से ही होगी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, फिफ्थ, देखिए गैल्वेनिक सेल में मैं ऐसा बोल सकता हूं गैन, क्या बोल सकता हूं, गैल, जी का मतलब गैल्वेनिक, सेल, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव पोल, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सही है, यानी एनोड नेगेटिव होता है, तो कैथोड क्या होगा यहां पर, पॉजिटिव। तो आप मुझे सिक्स नंबर पे बता सकते हैं एनोड यहां पर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, एनोड यहां पर होगा नेगेटिव, लिखा हुआ है नेगेटिव, तो कैथोड क्या हो जाएगा यहां पर, पॉजिटिव।
बोलो यस, इज दैट क्लियर? तो यहां गेन है, तो यहां गेन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल है और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहां नेगेटिव था यहां पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में, इलेक्ट्रोलाइट सेल में एनोड क्या होगा अपने आप में, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी एनोड हमारे क्या होगा यहां पर पॉजिटिव, और कैथोड यहां क्या होगा अपोजिट नेगेटिव। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमारे लिए यहां पर आ रहा है, सही है, लिखें इसको। तो बच्चों अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, होगी ना? तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उसके लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है, इस जगह क्या होगा पॉजिटिव, और डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव। ये थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी हो गई, एंट्रोपी और ये गिब्स से फ्री एनर्जी, जो हम बहुत अच्छे से वहीं पढ़ेंगे, अभी आप पॉइंट्स के हिसाब से लिख लीजिए। तो यहां डेल्टा एस सिस्टम जो आपके पास हो रहा है वो नेगेटिव, और डेल्टा जी हमारे पास क्या हो रहा है पॉजिटिव। आप टोटल भी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है? तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट हुआ जो आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं, छह नंबर हो गया, सात आठ नो। यहां एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां एनोड पर क्या होगा बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन ही होता है। ये एक ऐसी चीज है जो दोनों में सेम है, कैथोड यहां रिडक्शन होता है और यहां पर भी क्या होगा कैथोड पर रिडक्शन होगा, हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो एक और मेरे को यहां पर बताना है वो है करंट डायरेक्शन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम हमारे को डिफरेंस जरूर आता है कि यहां पर मुझे इस तरह का कोई डिसाइड डिवाइस दिखाई देता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और करंट जनरेट होती है। ये इस तरह का डिवाइस गैल्वेनिक सेल का, यानी एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं या सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से अलग होते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां सारा काम ऐसे ही होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट यानी एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड आ जाते हैं और यहां करंट जनरेट होती है, ये करंट जनरेट का साइन है, जबकि यहां क्या है करंट प्रोड्यूस का साइन है, प्रोड्यूस नहीं मतलब यहां प्रोड्यूस का साइन है और यहां करंट एब्जॉर्ब का है इस सिस्टम द्वारा, इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक। ठीक है लिखें इसको।